अपना आशीर्वाद रखना, सबके अपने आशीर्वाद बना के रखना। और देखो यहाँ पे हमारी घसियारी मेहनत करती हुई, थोड़ी कैसे लग रहे हैं मुझे बताना जरूर, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जल्दी फटाफट। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों आज है सैटरडे का दिन और सैटरडे हमारी होती है छुट्टी, और इस छुट्टी में खास बात यह है कि आज मैं बहुत जल्दी उठाऊं, मतलब 10 बजे मेरे लिए तो जल्दी है, और मैं इसलिए जल्दी उठाऊं क्योंकि देखिए दोस्तों आज हमारे घर में जो है श्राद्ध पूजे जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, श्राद्ध का महीना चल रहा है और आप लोग भी पूज ही रहे होंगे अपने अपने श्राद्धों को, तो हम भी आज श्राद्ध पूज रहे हैं क्योंकि पंडित जी के हिसाब से जो हमारा 9वां दिन होता है श्राद्ध का वो आज कंप्लीट हुआ है, तो इसलिए आज हम अपने श्राद्ध को पूजेंगे। और घर के अंदर सुबह से तैयारियां होनी स्टार्ट हो गई हैं, मतलब कि जो श्राद्ध में आप लोग खाना बनाते हैं अपने पितृ देवताओं के लिए, उनको रखते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि श्राद्धों में जो होता है पितृ देवता आपके घरों में आते हैं, आपके पास आते हैं, आप उनकी जितनी सेवा करना चाहें उतनी सेवा कर सकते हैं, तो ये उनके लिए द्वार खुले होते हैं एक तरीके से आपके घरों के, तो उनके जैसे हमारे पिताजी हैं, हमारे दादाजी हैं, ये सब हमारे पितृ हैं, तो ये हमारे घरों में आते हैं। अब तो हमारी दादी भी हो गई हैं एक, वो भी हमारी पितृदेवता हो गई हैं, तो ये सब मतलब इनकी क्या होती है कि खुले, इनके लिए द्वार खुले होते हैं। तो आज हमारे घर में वही हो रहा है, आज हमारे घर में सुबह से तैयारी हो रही है, सब्जी बन रही है, कुछ मीठा बन रहा है, ये सब हो रहा है, पूजा पाठ भी करेंगी मम्मी भी करेंगी, भैया भी करेंगे, तो इसलिए मैं जल्दी उठ चुका हूँ। और इसके साथ साथ मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि मेरे आज ससुर जी जो हैं उनका भी श्राद्ध है, आई थिंक मेरे ख्याल से उसको भी पूजा जाएगा आज देहरादून में, तो उनके श्राद्ध में भी जो है भैया लोग पूरी क्रिया के साथ में, मतलब पूरी जो होती है एक विधि होती है उसके साथ में आई होप कि करेंगे, पर मुझे पता नहीं है, बट इतना है कि वो कन्फर्म करेंगे। तो चलिए थोड़ा बाहर चलते हैं, बाहर का माहौल भी देख लेते हैं भैया कि बाहर क्या क्या तैयारियाँ हो रही हैं। चलिए तो चलते हैं अब बाहर। सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये हमारी मम्मी जी यहाँ पे सुबह थोड़ा बहुत योगा कर लेती हैं, क्योंकि ओम मंत्र का जाप कर लेती हैं, ओम की चैंटिंग कर लेती हैं थोड़ी सी। भाई हमारा सुबह सुबह स्कूटर चला रहा है, ये एक हफ्ते से स्कूल नहीं गया क्योंकि इनकी दोनों की तबीयत ख़राब है, इसकी भी और उक्कू की भी, क्योंकि इनको बुखार हो रखा है। और ये भाई साहब को देख लो, ये तो मतलब इनकी तो कोई लिमिट ही नहीं है, इनको तो कोई टेंशन नहीं, कोई कुछ नहीं। ओए हेलो टैशू, मिलने क्यों नहीं आया तुम मुझसे आज? इधर आता भी है मेरा बच्चा, ऐसी बात नहीं है। लोग नहीं आए तो मुझसे आज सेकेंड ऐसी बात सेकेंड दो, वेरी गुड। तो चलिए अब चलते हैं किचन में, यहाँ पे आप देख सकते हो घर के दोनों बॉस यहाँ पे लगे हुए हैं। ये देखिए यहाँ पे तो आटा गूंद रखा है, सब्जी में क्या क्या बना है भाई? तोरी की सब्जी, अच्छा ये तेल रख दिया गया पूड़ी बनाने के लिए, आई थिंक इसमें पूड़ी बनेगी है ना। और ये क्या है? इसमें खीर बनेगी, जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ मीठा भी बनने वाला है, तो इसमें बनेगा मीठा मतलब खीर, तोरी की सब्जी और पूड़ी, तो ये बनेगा। और श्राद्ध पूजेगा कौन वैसे? सचिन। अब वो कहाँ है, सो रहा है वो। सो गाइज यहाँ पे जो श्राद्ध हैं वो भैया पूजेंगे, तो भैया अभी सो रहे हैं, अभी वो उठेंगे नहाएंगे, उसके बाद को श्राद्ध को जो है वो पूजना शुरू करेंगे। और मेरे ख्याल से मुझे उक्का भी दिखाई नहीं दे रही, वो भी सो रही है क्या? देखा, वो तो हमसे भी बढ़ के है, मतलब वो तो हमारा भी रिकॉर्ड तोड़ देती है भैया सोने में, वो भी सो रही है। ये लौंडा उठ जाता है जल्दी हमारा, ये यूवी। तो अब मैं भी थोड़ा सा भैया चाय वाय पी लेता हूँ, क्योंकि मैं आजकल आपको बताया था मैंने जिम विम जाने लग गया हूँ भाई, तो चाय वाय मैं नहीं पीता हूँ, तो आज हम सुबह सुबह चाय का आनंद लेते हैं। देखिए यहाँ पे उक्का उठ गई है, और उठते ही बेचारी यहाँ पे देख ले ये रोटी बेलना शुरू कर दिया इन्होंने। भैया तेरे को इतनी मदद करनी है तो किचन में जाके कर दे अपनी मम्मी की। तो भाई ये लौंडा जो पीछे खड़ा है इनने पूरे सुबह सुबह उठ के 6 ओरियो के बिस्किट पेल दिए हैं, और उक्का थोड़ा सा लेट हो गया, बेचारी को कोई खबर नहीं है, उन्होंने 6 ओरियो के बिस्किट पेल दिए हैं। तो अभी मम्मी ने मुझे थोड़ा सा हुक्म दिया यहाँ कि मुझे मार्केट जाना है, मार्केट से मुझे एक घास होती है हमारे यहाँ पे ना गढ़वाल में बोलते हैं दुबला बोलते हैं उसको, दुबला दुबला करके उससे जो है पूजा जाता है, जैसे पानी वानी नहीं छिड़कते, वो लेके आनी है, इसलिए मैं अभी उसको लेने जा रहा हूँ, और मुझे पता नहीं है वो कैसा होता है। तो शांति मेरे साथ जा रही है, उसके साथ साथ में थोड़ा मार्केट भी जाएंगे, उसके बाद जो है वहाँ से फूल वगैरह भी लेंगे, और फूल में आई थिंक मेरे ख्याल से चमेली का फूल यहाँ पर मिलता नहीं है, तो यहाँ पर गेंदे का फूल और गुलाब के फूल मिलते हैं, वही हम थोड़े बहुत लेके आने वाले हैं। वाइट वाले में यार, वाइट की ना वो खुले नहीं रखते वाइट वाले, उसकी ना माला बना के रखते हैं वो, सफ़ेद नहीं, वाइट फूल तो मेरे ख्याल से रखते हैं वो खुला ना एक जगह पे, एक पन्नी में वाइट और रेड ऐसे माला बनाते हैं वो। 10 के खुले वो हो गए, और 10 ये सफ़ेद वाले हो गए ना, और पीले वाले कितने हो गए? 5 पीले वाले हो गए।
ये देखिए गाइस, जहाँ मेरी स्कूटी खड़ी है उसके जस्ट ऊपर क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए मधुमक्खी का छत्ता। तो ये देखिए गाइस, यहाँ पे हम दुबला ढूंढने आए पर यहाँ पे मिल नहीं रहा है। शानू कुछ कुछ चुन तो रही है, ये देखो घासों से, इससे पानी वानी छिड़का जाता है। और साथ में आप मेरी परछाई भी देख सकते हैं जिसमें मैं व्लॉग बनाता हूँ, आपको नज़र आ रहा हूँ क्योंकि धूप बहुत तेज़ है पार्क में। तो यहाँ पे नहीं मिला, अब हम नेक्स्ट चलते हैं आगे क्योंकि ये ना पूरा पार्क भी थोड़ा सा सूखा सूखा सा हो रखा है। तो भैया फाइनली हमें मिल चुका है दुबला, यहाँ पे आप देख सकते हो छांट लिया है छानू ने, और इसको अब धागे में लपेट के बस इसको पानी छिड़कने का काम आएगा। बड़ी मुश्किल से मिला है घासों के अंदर, और देखो यहाँ पे हमारी घसियारी मेहनत करती हुई थोड़ी बहुत ही मुश्किल से मिला इसको। ये देखो गाइस अपना अड्डा बना के बैठा हुआ यहाँ पे पूरी मिट्टी खोद के, ये देखो पीछे देख रहा है भाई। दोस्तों हम आ गए हैं फाइनली सामान लेके, शानू दिखाओ जरा सामान। ये देखिए सामान, दिया नहीं मिला, दिए के लिए बहुत घूमना पड़ा पर फाइनली घंटे के पास मिल गया था। ऑलमोस्ट हमें आधा घंटा लग गया भैया ये घूमना शुरू दोनों का। अरे उक्का क्यों उतर गए तुम, बैठो झूलो झूलो। ये देखिएगा ये दोनों बिजी हो रखे हैं यहाँ पे ये कार्टून देखने में, इनको कोई मतलब। चलो भाई पूजा करनी है, हेलो गाइस। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर देखिए भैया ने पूजा स्टार्ट कर दी है, और ये पूजा जो है वो भैया ही करेंगे अकेले। ये देखिए यहाँ पे तिलक लगेगा पहले, तो ये हमारे पापा जी, और वो जो टोपली वाले हैं ये हमारे दादाजी, ठीक है। और ये पितृ देवताओं के लिए जो भोज होता है वो लग गया यहाँ पर, और पूरा मंदिर सजा है यहाँ पर। तो भैया अब यहाँ पे भोग लगेगा थोड़ा सा, ये आपको पता है कि जब यहाँ पे श्राद्ध की पूजा की जाती है, मतलब श्राद्ध पूजे जाते हैं, तो वैसे तो बहुत चीज़ें होती हैं पूजने के लिए, पर जो नॉर्मल जो आप पूज सकते हैं वो वैसे ही पूज सकते हैं। थोड़ा सा अपना खाना बना के, रोट बना के, जो भी कर सकते हैं वो। और जब ये पूजा ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद जो पंडित है वो पूरा गरुण पुराण वगैरह पढ़ते हैं, पर हम नहीं पढ़ रहे हैं। और ये पूरा अभी छत में लेके जाना है हम लोग को, जो हमने ये बनाया है पितृ के नाम पर रखना है, ठीक है ठीक है। ये सब ऊपर लेके जाना छत पे। तो थोड़ा सा यहाँ पे मम्मी ने ज्ञान देते हुए कि भैया थोड़ा सा अपने पितृ देवताओं से पूजा भी करनी है, थोड़ा सा यहाँ पे उनसे आशीर्वाद लेना है कि अपने घर में जो है वो अपना हमारा आशीर्वाद बनाए रखें। और हमारे घर में दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारे पितृ देवताओं की जितनी भी जो वो होती है कीर्ति होती है वो हमेशा बनी ही रहती है, हमारे पापा दादा सबकी बनी रहती है। और अब हमारी दादी भी हमारी पितृ हो गई हैं, जैसे मैंने आपको बताया बड़ी दादी, हाँ बड़ी दादी, हाँ पितृ हो गई हैं वो भी, उनको भी हम, वैसे हमारे पास उनकी फोटो नहीं है बट कोई बात नहीं, हम उनको भी पूज ही रहे एक तरीके से। तो अब ये जितना भी हमने यहाँ पे अपने पितरों के लिए बनाया है, जितना भी खाना वगैरह जो प्रसाद हमने बनाया है, अब इसको छत पे रखेंगे और पक्षियों के लिए रखते हैं ताकि वो आते हैं पितर के रूप में और उनको खाते हैं, ठीक है। तो अब हम जा रहे हैं छत पे, इसको छत पे रखेंगे। और जो भैया ये छिड़क रहे हैं पूरे घर में, ये एक तरीके से गंगा जल है, देखिए इसमें गंगा जल है भैया पूरे यहाँ पे, जो हम दुबला लेके आए थे, दुबला पतला जो भी है वो, उससे पूरा छिड़क रहे हैं घर के अंदर, ताकि घर के अंदर की भी शुद्धि एक बार के लिए हो जाए। सो वेल गाइज, यहाँ पे अब हम अपने पितृ देवताओं के लिए जो बना है ये देखिए हम रखेंगे अपनी टंकी के ऊपर ही रखेंगे, ठीक है। ये है गाइज हमारी टंकी, जिसको मैं रोज़ सुबह 4:30 बजे चलाने के लिए उठ, मतलब कि बटन दबाने के लिए उठता हूँ सुबह, और फिर 5:30 बजे बंद करने के लिए भी, ठीक है। ये पानी भी चेक हो रहा है थोड़ा सा कि इसमें कितना पानी है, कितना है। चलिए तो यहाँ पे हमने प्रसाद रख दिया है पितृ देवताओं के नाम का। तो हे पितृ देवताओं, मतलब मेरे पिताजी और मेरे दादाजी, जल्दी से आके इस प्रसाद को ग्रहण करें, और हमारी दादी, हाँ तो कौवे के लिए रखा है तो वो भी पितृ के रूप में ही तो आते हैं वो भी, तभी तो कह रहा हूँ। और ये पानी का विसर्जन थोड़ा सा यहाँ पे होता हुआ, देखिए एक तो हमारे घर में भी हैं, ठीक है, जिनको हम थोड़ा सा पूछते हैं पहले। इसके लिए देखो डाला यहाँ पे खीर, वैसे इतना मीठा खाता है ये, आज ये नहीं खाएगा, जानबूझ के नहीं खाएगा। क्यों नहीं खाया भाई तूने, हेलो तुमसे पूछा जा रहा है, हेलो हेलो भाई साहब, हेलो भाई साहब क्यों नहीं खा रहे हो इसको, इधर आ तू। वैसे तो तू मीठा इतना खाता है, दबा दबा ये इतनी खीर खाता है, इतना मीठा खाता है ना ये, हलवा जलेबी बेसन के लड्डू सब खाता है, आज इसको दिया हुआ तो खा नहीं रहा, ये ऐसी पड़ा हुआ है, देख रहे हो, खा इसको जल्दी खा, चल खाओ, रख दो इसके आगे रख दो। यह एक काम करो बाबू, उसमें से ना पूड़ी हटा दो, खीर खीर दे दो थोड़ी सी, ऐसे दे दो, हाँ बस
देखो दूर दूर जा रहा है, ऐसे रख दो बस। आज नहीं खाएगा वो, आज उसने क्यों खाना, आज तो हमारा ज़रूरी काम है ना। सो गाइज ये जो आपने पूरा देखा भी, यहाँ पे दाल, आटा, चीनी, थोड़ा सा सब कुछ, और ये इसमें 101 रुपये ये हमें देना है पंडित जी को। ये एक तरीके से जो हमने पूजा है सबका सामान वामान, ये हमें पंडित जी को देना है। तो अभी सामने वाले मंदिर में भैया जाएंगे, उसमें जाके पंडित जी को ये दान करके आएंगे। चलिए जी भैया प्रसाद पंडित जी को देते हैं, यहाँ पर दक्षिणा दे दी ठीक। हमारी किस्मत बहुत अच्छी है जो हमें गौ माता यही मिल गई। खा लो खा लो, पूरा खाओ पूरा खाओ पूरा। तो गाइस हम आ गए हैं भैया घर, और मैं दोनों दक्षिणा वक्षिणा दे के पंडित को। पर हमने यहाँ पे जब उनको गाय को खिलाया ना, तो गाय ने नहीं खाया, वो थोड़ा सा उन्होंने मुंह जरूर लगा दिया था उसमें, पर उन्होंने खाया नहीं। तो हमने कहा कोई बात नहीं, नहीं खाया तो मैं वहीं छोड़ के आ गया उसको। मैंने थोड़ा बहुत मुँह लगाना था, वो तो इन्होंने लगा ही लिया है ठीक है, तो बस वही ज़रूरी है थोड़ा सा बस। एक बार सोचा भी था मैंने, जैसे मैं कैलाशपुरी में मुड़ा ना, कुछ लोग बैठे थे वहाँ पे, गरीब से नहीं थे, लाइन से ऐसे बैठे थे। मुझे लगा कि एक बार उनको दे देता हूँ यार, गाय को देने से अच्छा, हाँ उन्हीं को देने वाला था। फिर मैंने सोचा यार इनको क्या दूँ, वो तो पहले से कुछ खा रहे थे। फिर तो चलिए दोस्तों अब हम भी कर लेते हैं नाश्ता, क्योंकि पितरों को तो हमने करा दिया है भोज, गौ माता को भी खिला दिया, पंडित जी को दक्षिणा भी दे दी। अब फाइनली हमारा टाइम है नाश्ता करने का, और आज हमारा नाश्ता जो हो रहा है वो हो रहा है 12:30 बजे। आज हमने भैया दिन का खाना नहीं बनाया है, तो दिन के खाने में आज हम बना रहे हैं एक स्पेशल चीज़ जिसे इंडिया का हर एक आदमी अपने घर में बना के खा सकता है, वो भी बहुत ही जल्दी। इशारे से आप समझ तो गए होंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। कर रहे हैं ये मैगी के बारे में, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने पूरा एक पैकेट मैगी का बड़ा वाला चढ़ा दिया है, और इसमें खाने वाले 4 जने, पर मुझे लग रहा है कि मैंने बहुत ज़्यादा बना दिए, पर कोई बात नहीं, इसको हम थोड़ा सा रख लेंगे फ्रिज में ताकि इसे हम बाद में भी खा सकें। या इसमें भी थोड़ी सी यहाँ पे लोगों की डिमांड है कि भैया हमें सूप वाली चाहिए, हमें सूखी चाहिए, तो हम जो है मैं और शानू खाएंगे सूप वाली मैगी, और भैया और मम्मी खाएंगे एकदम जैसे थोड़ी लसपसी वाली होती है वैसे, उसमें ज़्यादा पानी नहीं होता है। तो मैं इसमें से थोड़ा सा अभी अपने लिए और शानू के लिए निकाल दे रहा हूँ, और थोड़ा सा इसको और पकने दूंगा ताकि ये पानी और सोख के फिर भैया लोग के लिए हो जाए। तो ये देख सकते हो आप गाइस, इसमें जो है बहुत कम पानी रह गया है, क्योंकि ये भैया और मम्मी के लिए बन रही है, और मैं अपनी वाली मैगी अंदर ले जा चुका हूँ, मेरी वाली मैगी जिसमें पूरा सूप ही सूप आपको नज़र आएगा। और इसको खाते हुए एक व्यक्ति आपने देखा होगा अक्सर, ये देखे कितनी खुशी चेहरे पे यहाँ पे। तो दोस्तों घर के अंदर हमारे अब घुस चुका है चूहा, पता नहीं 2-3 दिन से परेशान कर रहा है, और यहाँ से अभी भाभी ने देखा वो यहाँ से कहीं भागा है अंदर कूलर के, और पता नहीं कहाँ चला गया वो, और 2-3 दिन से उसके लिए चूहेदानी भी लगा रखी है पर मिल नहीं रहा, और उसने बहुत परेशान कर रखा है। यहाँ पे छेद खुले हुए हैं यहाँ से ना, तो यहाँ से वो भाग गया है, पता नहीं कहीं पे, पता नहीं आ भी नहीं रहा। एक तो मोटा है और एक छोटा भी है, तो देखते हैं। फिलहाल मैं और शांति अभी जा रहे हैं मार्केट, शांति को कुछ देहरादून जाने के लिए, अपने कान के लिए कुछ झुमके उमके चाहिए, तो वो ही लेने के लिए हम लोग जा रहे हैं ठीक है। और ये मुझसे जल्दी जल्दी बोल रही है चलने के लिए, चल भाई चलो। सो यहाँ पे मैं उक्का से गिनती पूछ रहा हूँ, पर ये मेरे को बता नहीं रही है, ये बहुत ही ज्यादा गंदी लड़की हो गई है। जल्दी बता, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जल्दी फटाफट, क्यों सुना रही 1 घंटा। सो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि हमारे घर में जो है चूहा एक बहुत परेशान कर रहा है, फाइनली ये देखिए यहाँ पे ना फंस चुका है और आराम से बैठा है। देखिए ये देखिए बाहर आने की कोशिश कर रहा है ये, और ये भी कौन है, माउस माउस है, माउस माउस। तो यहाँ देख सकते हो ये भाई आज रात भर यहाँ रहेगा, और इसमें ये झांक रहा है बाहर, ये देखिए ये। तो भाई हम फाइनली गए थे मार्केट, और शानू को कुछ करनी थी शॉपिंग जैसे मैंने आपको बताया, तो शानू ने अपने लिए झुमके लिए भैया मार्केट से, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो दिखाओ भैया कहाँ है तुम्हारे झुमके, देखे जरा, वहाँ पे दिख तो नहीं रहे थे मार्केट में, पर घर में अपना कुछ अलग ही इसका हिसाब किताब है। तो ये देखो भैया ये लिए हैं शानू ने 2 कान के झुमके गोल्ड के, और काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। पहले इससे हमने दूसरे वाले देखे थे, बट ये ज़्यादा अच्छे लगे मुझे, क्योंकि पहले वाले ना ज़्यादा ही बड़े थे कुछ, तो हमने बोला यार वो बड़े भी हैं और थोड़ा रेट भी ज़्यादा लग रहा है, बट ये थोड़ा हमें मतलब कि एकदम हमारी रेंज में पड़ गए और अच्छे लगे, तो इसलिए हमने ये वाले लिए। मैं क्लोज लुक दिखाता हूँ आपको, देखिए कैसे लग रहे हैं, मुझे बताना ज़रूर ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना कैसे लग रहे झुमके। तो ये है भैया हमारे शानू ने जाने से पहले थोड़ा सा हमारा खर्चा करवा दिया गोल्ड का, और मैं आपको बता दूं कि गोल्ड का रेट इस समय बहुत ज़्यादा हाई चल रहा है भाई। अब मैं इसका रेट नहीं बताऊंगा आपको कि भाई कितने का मिला, बट हाँ ये कि चपत लग गई। तो ये मिल चुका है, शानू इसको देख रही है, और अभी इसने और भी गहने निकाल रखे हैं कि कौन कौन से लेके जाना है,
क्योंकि अब एक हफ्ता ही बचा है हमारा देहरादून जाने के लिए, तो हमने पूरी पैकिंग कर ली। और सुनने में ये भी आया कि भैया देहरादून के अंदर बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है रात के समय पे, वहाँ पे भैया कोहरा वोरा लगने लग गया है, और जब हम जाएंगे तो और ज़्यादा ठंड बढ़ जाएगी। तो हमें बोला गया कि भैया आप अपनी जैकेट वैकेट लेके आना। तो अब यहाँ पे हम जो है अपनी पुरानी पलंग खोल के जैकेट वैकेट निकाल रहे हैं, तो अब मैं थोड़ा सा वही काम करने जा रहा हूँ। तो अब मैं ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रहा हूँ, और अभी मुझे काम भी करना है। तो दोस्तों आपसे मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, एक अच्छे ब्लॉग में और अच्छी वीडियो के साथ में। और जब मैं देहरादून जाऊँगा तो आप लोग को बहुत खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें दिखाऊँगा वहाँ पर। और मेरा कुछ एक प्लान भी है, बहुत अच्छा प्लान है, अगर वो तो करना ही है मुझे, एग्जीक्यूट तो करना ही है उस प्लान को, पर देखते हैं वो कब एग्जीक्यूट करूँगा तो वो भी आपको दिखाऊंगा। तो फिलहाल के लिए वीडियो को करते हैं यहीं पे ब्लॉग को एंड, और आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।